यह है कि केरल के वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी होंगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा और राहुल गांधी के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़े थे, एक वायनाड से और दूसरी आप देखिए एक और सीट से चुनाव लड़े थे और वो सीट थी अमेठी। अमेठी से भी राहुल गांधी चुनाव जीते थे और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। और माफ़ कीजिए, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते थे और अमेठी से शर्मा चुनाव जीते थे। अब जब दोनों जगह से चुनाव जीत गए, यानी कि सोनिया गांधी की जो सीट खाली हुई थी रायबरेली से वहाँ से भी चुनाव जीते और वायनाड से भी चुनाव जीते, तो उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया और अब वायनाड से ही गांधी परिवार का सदस्य यानी कि प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है। कनिका हमारी सहयोगी जिन्होंने ये खबर दी वो हमारे साथ मौजूद हैं। कनिका, कैसा मास्टर स्ट्रोक है? देखा जाए तो 2024 में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव मैदान में थे और राहुल गांधी ने वायनाड से भी जीत हासिल की, उसके बाद रायबरेली से जीत हासिल की। लेकिन रायबरेली की सीट क्योंकि गांधी परिवार की पुरानी सीट है, सोनिया गांधी वहां चुनाव लड़ी है, इसके अलावा तमाम गांधी परिवार के सदस्य जो है वहां चुनाव लड़ चुके हैं। तो राहुल गांधी ने दोनों सीटों से जीत हासिल करने के बाद वायनाड को छोड़ दिया और रायबरेली को अपनाया। और जिस वक्त राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ने का ऐलान किया था, उसी वक्त राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का भी ऐलान किया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान, जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में वायनाड से उतारा गया है। 2019 की जब बात करते हैं तो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जो है वो वायनाड से लड़ा था और राहुल गांधी ने लगातार उस सीट को यही कह के पुकारा था कि वो वायनाड सीट उनकी वो सीट है जिसने उनको 2019 में उनकी साख को बचाया था। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और गांधी परिवार को वायनाड से एक अलग अटैचमेंट भी रहा है। जिस तरह से रायबरेली और अमेठी का जब बार बार जिक्र होता है तो वायनाड का भी जिक्र होता है, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे खेला गया है, जिसमें गांधी परिवार के लिए जो सिंपैथी वायनाड में है या जो प्यार वहां पे बना हुआ है उसी को एक बार फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो गांधी परिवार की ओर से की गई है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है और आज उनके नाम की औपचारिक ऐलान जो है। लेकिन कनिका बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे थे वायनाड से, कई और स्थानीय नेताओं के नाम चल रहे थे, ये भी चर्चा सामने आई थी कि किसी स्थानीय व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन शायद क्या गांधी परिवार ने, क्या कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि ऐसा नहीं कि किसी स्थानीय व्यक्ति को अगर टिकट दे दिया जाता है तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो सीट है वो परंपरागत सीट जिससे बहुत आसानी से गांधी परिवार चुनाव जीत जाता है वो सीट खराब ना हो जाए, या फिर स्थानीय नेताओं में आपस में कोई प्रतिद्वंद्विता ना हो जाए इसलिए प्रियंका गांधी को वहां से चुना गया? देखिए, जब राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से जीत हासिल की थी और राहुल गांधी की वो सीट छोड़ने की चर्चा चली थी, उसके बाद ये ऐलान हुआ था, ये चर्चाएं थी कि लोकल किसी कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी जो है वहां से उम्मीदवार बना सकती है, इस तरह की बातें थी। लेकिन जब राहुल गांधी ने अपनी सीट वायनाड को छोड़ने का ऐलान किया था तो उसी वक्त उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना डेब्यू के तौर पे वहां पर अनाउंस किया था कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड का ख्याल रखेंगी। और बल्कि राहुल गांधी ने ये भी कहा था, आपको याद होगा मनु जी, कि जिस तरह से मेरे लिए रायबरेली है उसी तरह से मेरे लिए हमेशा वायनाड भी रहेगा, क्योंकि 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी हार गए थे तो वायनाड ने राहुल गांधी को बचाया था और वहां से लोकसभा का सांसद बनाया था। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार को ये पता है कि जो प्यार गांधी परिवार के लिए वायनाड में है वो किसी और प्रत्याशी के वहां होने वो किसी और प्रत्याशी के नहीं लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कनिका, आपने विस्तार से जानकारी दी। आगे